Hi, I'm Manish Paul and welcome to a brand new episode of MTV Web. Teen years, hamari life ka best time hota hai. They are called the wonder years. But with all the fun and games, teenage is also the time jab hum apne aap ko theek se samajhna shuru karte hain. We figure out who we are, what are we made of. Bahut se sawal hote hain. बट ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे टीनेजर्स को चाहिए है गाइडेंस, एक ऐसा हाथ जिसे पकड़ के वो जिंदगी का सामना कर पाए बिना किसी डर के, अ पर्सन हु दे कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्व्स एंड लाइफ फ्रॉम. और अगर इस क्रूशियल टाइम में दे फाइंड देमसेल्व्स अलोन, दे ऑफन टर्न टू द इंटरनेट, अ प्लेस विद ऑल द आंसर्स. पर क्या ये सही सोल्यूशन है? This is a story about a brother and a sister and how their lives changed because of one mistake on the web. Sarthak, neebu pani le aaya beta. Papa. पापा, मैं सार्थक नहीं, अंकिता हूं. हाँ? अंकिता सार्थक कहाँ है? बुलाओ ना उसे, बात करनी है. सार्थक जो आप सबकी तरह एक बहुत स्वीट लड़का था, उसकी ना एक स्माइली काफी थी किसी को भी अपना फैन बनाने के लिए. इट वाज जस्ट ऑसम. And just like all of you guys, he was very good at sports, studies, सब में बहुत अच्छा था. कभी भी किसी के साथ misbehave नहीं किया. Just like you guys, मेरे सार्थक के भी कुछ सपने थे. हाय पापा. कहाँ गया था? बाहर गया था पापा. क्रिकेट खेलने गया था ना? हाँ, बट पापा सुनो ना, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ना तो आज मैं लास्ट मैन बचा. ट्यूशन गया? ट्यूशन पापा कल जा रहा हूँ मैं वैसे, लेकिन सुनो ना, लास्ट मैन था मैं. Enough of your cricket, Sarthak. Now get back to your books. Exams हैं, okay? पढ़ाई कर लूँगा मैं पापा, लेकिन वो स्ट्रेट ड्राइव जो मैंने खेली ना वो मेरा नींबू पानी. नींबू पानी ले. ओए चैंप, कैसा? हेलो अंकल. यार क्या तुमने क्या शॉट मारा यार, लास्ट बॉल पे छक्का सीधा. तुम तो हमारी इज्जत बचा दी यार. पर ये किसने एक्सपेक्ट किया था कि 6 रन एक बॉल में? हाँ, चार रन चाहिए तो तूने सिक्सर. सिक्सर ना रेट तो बनती है, क्या बोलते हैं? हाँ, पापा की एक्सपेक्टेशंस और दीदी के बिजी स्केड्यूल के बीच सिड वॉज द ओनली पर्सन जिससे सार्थक को वो अप्रिसिएशन, वो अटेंशन मिला जिसकी उसे बहुत जरूरत थी. Sid became Sarthak's hero, his best friend. अभी आराम से यार, पता है सेकेंड हैंड है, बट लखनऊ में तो नहीं लगनी चाहिए ना, अभी बिल्कुल नहीं. आखिर
लखनऊ वाले को भी पता चले कि कानपुर क्या चीज है, समझा? बस यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पूरा हो जाए फिर तो बस इंटर्नशिप पक्की। और तुझे पता है आजकल इंटर्नशिप में तो 10-12 हज़ार तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो फिर कानपुर को हमेशा के लिए टाटा? अबे नहीं यार पगले, कानपुर तो मेरी जान है। और वैसे भी तुझ जैसा मुझे थोड़ी ना मिलेगा कोई लखनऊ में। सिड के जाने की न्यूज ने सार्थक को बहुत डीपली इफेक्ट किया। He couldn't understand the feeling himself. But the thought of Sid no longer being around hit him hard. तू समझ नहीं रहा था यार, मैच अपने हाथ में थी। I mean, come on यार, एक दो ओवर तो और टिक जाता। यार मैच अपने हाथ में थी, तूने देखा नहीं, मैच वाज सो क्लोज। पर तेरा वीक पॉइंट है कि यार बाउंसर शॉर्ट बॉल तू कैसे नहीं खेल पाता। तुझे कितनी बार मैंने दिखाया, ये देख सिंपल, बॉल आया बाउंस हुआ और ये घुमाया और रिस्ट नीचे हुआ रोल किया, जो कि तूने नहीं किया। अब तू ट्राई कर, ये देख तेरी पोजीशन देख कैसी है, ये देख एल्बो आउट, तेरी पोजीशन देख, फेस स्ट्रेट, हाँ स्ट्रॉन्ग ग्रिप और बैक स्ट्रेट, हाँ कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉल, ये आया बाउंसर और ये घुमाया और ग्रिप नीचे, खत्म, परफेक्ट। देखा तूने, दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट शॉट। अगर तू ऐसे, ओश मैन, यार ये बारिश भी ना कभी भी आ जाती है। खड़ा क्या है, चेंज कर, नहीं तो रात भर छींकता रहेगा। ये ले। चल यार फिर मैं निकलता हूं। किधर? घर। घर? अरे पागल है क्या, इतनी रात को बारिश में? अरे अब तक तो सारी सड़क में पानी भर गया होगा। ठीक है, रह जाता हूं। सार्थक वॉज अशेम्ड। लाइफ में शायद पहली बार सार्थक हैड टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिज सेक्सुअलिटी।
सिड की तरफ उसका अट्रैक्शन वॉज एज इनोसेंट एज एनी टीनेजर्स फर्स्ट क्रश. ही बिलीव्ड ही वॉज इन लव विद सिड. और ऐसे में विद सिड स्पेंडिंग सो मच टाइम विद हिम, सार्थक को लगा कि शायद सिड भी उसके बारे में वैसा ही फील करता है. ही फेल्ट कंफ्यूज्ड एंड एम्बैरेस्ड अबाउट द रिजेक्शन. Sarthak wanted to tell Sid how important he really was to him. It wasn't just physical attraction. Are you serious? But it didn't happen, seriously. No. What I'm trying to tell you is, कि संधागु वहाँ पे था, but things didn't happen. I'm telling you. Sin. बोल, क्या है? Sin. इधर क्यों आया? रात जो हुआ उसके बाद भी तू यहाँ पे आ रहा है? हाँ? अरे तू तो दोस्ती के लायक भी नहीं है. तू क्या बोल रहा है? ये क्या है? कार्ड? मैं तेरे साथ हूँ, हाँ? तेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? तू मुझे कार्ड देगा? ये ले तेरा कार्ड. सेड, लेकिन ओए, तुझे बोला ना जाने के लिए, हाँ? समझ में नहीं आता? Sarthak was devastated by Sid's reaction. He felt shattered. He was losing his hero, his best friend. Sid, वो एक लौता इंसान जो उसमें believe करता था. He wanted Sid back in his life, at least as a friend. क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? तुम्हें कुछ हुआ क्या? नहीं दी. तो फिर क्या हुआ बताना. अब ऐसे चुप रहेगा तो निकल, मुझे बहुत काम है. अगर किसी से कोई गलती हो गई है और उस गलती का एहसास भी हो गया है और गिल्टी भी लग रहा है, लेकिन पता नहीं कि उसे ठीक कैसे किया जाए, तो क्या करना चाहिए? बस इतनी सी बात. अच्छा सुन, देखो अगर देखो लगता है ना कि तुझे कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है और तुझे उसका रियलाइजेशन भी है, तो इतना सोच क्यों रहा है यार? जस्ट गो अप टू दैट पर्सन, से सॉरी, कन्फेस योर फॉल्ट, और अगर वो तेरा सच्चा दोस्त होगा ना तो तुझे जरूर माफ करेगा. ट्रस्ट मी, इतना मत सोच, जस्ट गो. समझा बुद्धू कि नहीं? Sarthak took Ankita's advice. No matter what had happened, वो Sid और अपनी friendship को बचाना चाहता था. Since Sid had already moved to Lucknow, he decided to apologize with an email. ये सोचते हुए कि शायद Sid उसे understand करे, उसको माफ करे, और फिर से ये दोनों एक बार दोस्त बन जाए. तो मेल आ जाए सिड से. न्यू मेल 0. हे सिड,
Why haven't you mailed me back? What's up? Miss you. ये तो अंकिता दीदी का लॉगिन, लॉग ऑफ करना भूल गए। नाइस हैंडल, हाउ स्वीट। हे अंकिता का चैट विंडो ओपन देख के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, सार्थक बिगैन चैटिंग एज हर। Such a harmless thing to do, right? Yeah, shayad nahi. What's your name? Sar... Tumhara name kya hai, Ankita? Because I'm a jasus. Nahi yaar, tumhari profile mein hai. No, I am Sarthak. LOL, Sarthak equals to boy. I am a boy. Yeah, right. Swear. Why are you chatting with me? You chatted first. I thought you were a girl. Sale, you're a perv. Tu hai kaun? Apna address bata, wahi aake tujhe chat karna sikhata hu. Oi, tu mere room mein kya kar raha hai? Ho. Dikh raha hai? Are nahi di, main chatting kar raha hai. Baithna. Kiske sath kar raha hai? Ladki ke sath? लड़के के साथ? अच्छा, तेरा वो बॉयफ्रेंड क्या नाम था उसका? सिड। व्हाट कॉल है, कहाँ? सिड मेरा दोस्त है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मान लिया यार तेरा दोस्त है, देखी थी उस दिन मैंने तुम लोगों की फ्रेंडशिप, कैसे फ्रेंडली तरीके से बैठे थे, चिपक चिपक के। सीरियसली यार, बिल्कुल तेरा फ्रेंड लग रहा था। क्या हुआ, अब ऐसे लुक्स क्यों दे रहे है? अच्छा चल ठीक है यार, ठीक है, जिसे बात करनी है कर, लड़का हो या लड़की, हाँ से भाई क्या। सार्थक वॉज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज सेक्सुअलिटी, और ये कंफ्यूजन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। सार्थक हैड टू ट्राई हार्ड टू फिट इन फॉर द सेक ऑफ द पीपल अराउंड हिम, एंड देन ही फाउंड द परफेक्ट स्पेस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, द इंटरनेट। एक ऐसी जगह जहाँ ही कुड हाइड बिहाइंड अ वेल एंड बी हिमसेल्फ एट द सेम टाइम विदाउट बींग जज्ड। इट गेव हिम फ्रीडम टू इंट्रैक्ट विद हूएवर ही वॉन्टेड टू, बिकॉज ऑन द नेट ही कुड बी हूएवर ही वॉन्टेड टू बी, इवन अ गर्ल। अर्जुन रॉक्स, यू आर सो क्यूट। How do you know? I can guess the way you chat. Really? Put your real picture now. Show me how you look. Why should I? So I can also be after you. Come on, you don't have a boyfriend. Boyfriend? समझ में नहीं आता। Drop it. Let's talk about something else. ब
बहुत टाइम के बाद सार्थक फेल्ट क्लोज टू समवन अगेन. अर्जुन, जिसे लग रहा था कि वो किसी लड़की के साथ चैट कर रहा था, द एंटायर फ्रेंडशिप वॉज बेस्ड ऑन अ ह्यूज लाई. Are you ugly? No. Then why can't you send me pic? You don't trust me. You are special to me, but I'm not to you, so this can't happen. Don't chat with me again. Don't do this, please. I asked you for one pic, just one pic. You can give your friendship up over one pic. My pics. Take photos. Me. The need to be liked can make a person commit terrible mistakes. Arjun bhi Sid ki tarah uska saath na chhod de is dar se Sarthak ne Ankita ke photos Arjun ko bhej diye. Wow, why were you hiding? I knew you would look like this. You're so beautiful to chat with. I was thinking of you the whole day. I missed you lots. Acha gado, bye. We'll only be thinking of you. What had started out as harmless chatting was turning into a web that Sarthak was getting caught in. And he couldn't have imagined how much more entangled he could get. You wanna see more? कैसा लग रहा हूं मैं? हे यार, आई वांट टू सी यू, प्लीज गेट अ वेबकैम ना, प्लीज. डू वन थिंग, सेंड मी योर वीडियो. तुम्हारे फोन में कैमरा तो हो गई, और हाँ प्रॉपर वीडियो. Like this, okay? Listen, stop wasting my time, okay? Then do one thing, just leave it, okay? Sarthak was driven by his need to please Arjun. All he knew was that this was his only chance of having a romantic relationship. It excited him and gave him a high. He didn't want it to stop. वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत.
इट वॉज शेमफुल. एक फेक रिलेशनशिप की खातिर सार्थक बिट्रेड हिज ओन सिस्टर. वन इम्पल्सिव एक्शन दैट कुड इफेक्ट सो मेनी पीपल ही केयर्ड अबाउट. द फियर ऑफ बींग लेफ्ट अलोन, द डेस्परेशन टू कनेक्ट विद समवन मेड सार्थक डू अ टेरिबल टेरिबल थिंग. अपने बचपने में सार्थक इस बात को भूल गया कि ऐसा कोई भी एक्शन, स्पेशली ऑन द वेब, कभी भी वहीं खत्म नहीं हो जाता. इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू. सार्थक तू इधर बैठा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ. चल बाबा तुझे बुला रहे हैं. हाँ दो मिनट में आ रहा हूँ. क्या दो मिनट में आ रहा हूँ? हाँ क्या कह रहा है फिर से तेरा ये लैपटॉप? हाँ सीरियसली अच्छा सुन, मेरा काम कर दियो. काम? मैं रिचार्ज भूल गया. हेलो क्या चुप चुप? हाँ देखो जी मैं पापा से तेरी शिकायत करूँ कि तू छुप छुप के लैपटॉप पे क्या क्या करता है? नहीं ना तो रिचार्ज कर दे. गुड बॉय. याद से? हाँ गुड. जल्दी आप पापा वेट कर रहे हैं. Surprise, Arjun. Excuse me? What's wrong with you, Arjun? You're sexy girl 98, right? What? Listen. Sorry, Ankita, right? मैं अर्जुन, तुम अंकिता, भूल गई? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? Come on, मस्ती मजाक करना बंद करो. ये मॉल लोग मुझे मारेंगे. और तुम अंकिता हो, please. Listen, stop acting weird. I don't even know you. अरे listen, यार तुम झूठ क्यों बोल रही हो यार? हम जानते हैं एक दूसरे को यार. मैं भड़क जाएंगे यार लोग. तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. Just get out of here. See. मजाक करना बंद कर. दूर से बात करो. मैं दूर ही हूँ, मेरी बात सुनो. मैं अर्जुन, तुम मुझे जानती हो, तुम भूल कैसे गई? अर्जुन मैं नहीं जानती हूँ. अरे यार तुमने फोटो भेजी अपनी, भूल गई? लिसन तुम नहीं मानोगे ना. अरे मेरी बात. अरे कम ऑन, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पता नहीं कौन है, मुझे छेड़े जा रहा है. अंकल मेरी दोस्त है ये अंकिता. आपकी दोस्त ने बताया नहीं उन्होंने? स्वयं पापा पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे. अंकल ये मेरी एफजेड फ्रेंड है, जानते हैं हम एक दूसरे को. आपकी दोस्त ने बताया नहीं उन्होंने? अंकिता कमॉन यार, क्या हो गया तुम्हें? अरे अंकल आपको बताया ना इसने कि ये आपके दोस्त नहीं है. अच्छा तुम मेरी एफजेड फ्रेंड नहीं हो? तुम्हारी फोटो कहाँ से आई? वेट मैं दिखाता हूँ. वेट सी ये फ्रेंड जूम से तुमने फोटो भेजा ना अंकिता? अब तो बोल दो मेरी दोस्तों ने यार. कमॉन तुमने भेजा था? तुमने? पापा आई डोंट नो, ये सारे पिक्चर्स मेरे एफबी प्रोफाइल पे हैं. इस हैकर पापा, तूने मेरा अकाउंट हैक किया ना? आई एम नॉट अ हैकर. नाउ कमॉन, मैंने चोरी वोरी नहीं की है. वो फोटो डिलीट करो. डिलीट करूं फोटो? तुम एक दूसरे को नहीं जानते हो. कम ऑन डिलीट दैट. नहीं करता डिलीट. मैं क्यों डिलीट करूं? वो तुम्हारे दोस्त ने ये बताया तुम्हें? मेरी दोस्त, मैंने आपको दिखाया, समझ नहीं रहा आपको? चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा. क्या पुलिस के हवाले कर दोगे? चलो निकलो अभी यहां से. निकलूं? क्यों निकलूं? अरे भैया बोलो ना. सब लोगों को जानता हूं अच्छी तरह से, समझे ना? मत दो, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं मैं. ये क्या? रुको मैं दिखाता हूं. अकाउंट करता तो कुछ. रुको छिछोरा, देखो क्या है. तुम भी देखो क्या है. ये छिछोरा बोलते हो मुझे? बड़े छिछोरे बोलने आए. वो फोन दो मुझे. नहीं दूंगा फोन मैं आपको. फोन दो मुझे. सुन लिया, नहीं देना फोन वोन आपको. फोन छोड़ो, फोन नहीं देना मुझे आपको. नहीं दूंगा फोन मैं आपको. फोन दे. इसका फोन लो, इसका फोन छीनो. सारा कुछ साफ साफ आ जाएगा बाहर, समझी? अगर तेरी बात छूट निकले ना अरे फसाद की जड़ ये है ना,
पापा मैंने कुछ नहीं किया था पापा, प्लीज पापा मैंने कुछ नहीं किया। सार्थक कुड नाउ सी द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शंस। अपनी बहन की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था एंड ही वॉज अवेयर that he had to take responsibility for what he had done. वो अंकिता को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, but he was really scared. मुझे नहीं पता उसके पास मेरी वीडियो कहाँ से आई। सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज पापा को समझाओ सर। पापा आई स्वेयर मैंने कभी उस लड़की के साथ चैट नहीं किया। प्लीज मैं यकीन कीजिए। शट अप। सार्थक कुड नॉट सी अंकिता सफर लाइक दिस। उसकी गिल्ट उसे अंदर से खाए जा रही थी एंड ही फाइनली डिसाइडेड दैट नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस ही मस्ट टेल अंकिता एवरीथिंग एंड लेट हर डिसाइड हाउ शी वांटेड टू पनिश हिम। डॉक्टर त्रिपाठी, आइए। कहीं कोई खबर? पहले अच्छी खबर। उस लड़के के पास आपकी बेटी का जो MMS था वो उसने डिलीट कर दिया है। और वो तस्वीर? वो भी, चिंता मत कीजिए, वो लड़का अब आपको और आपकी बेटी को कभी परेशान नहीं करेगा। और बुरी खबर क्या है? और बुरी खबर यह है कि आपकी बेटी का अकाउंट कोई हैक वैक नहीं किया गया था। साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस कंप्यूटर से अकाउंट बनाया गया और तस्वीरें भेजी गई उस इंटरनेट कनेक्शन पर आपका नाम और पता दर्ज है। मतलब यह कि वो MMS आप ही के घर से भेजा गया था। नहीं नहीं पापा, मैंने कुछ, इंस्पेक्टर साहब जरूर कोई गलतफहमी हुई, इट्स नॉट पॉसिबल पापा, मैं उसको जानती भी नहीं, मैं उसे क्यों भेजूंगी कुछ अंकिता? अगर आपने चैट नहीं की तो किसी और ने की होगी, पर चैट तो हुई है और वो भी आपके कंप्यूटर से। अपने घर में खोटो तो बाहर वालों को क्या इल्जाम? ऐसे शराब। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। सुन ले पापा, मैं कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं किया। क्या बोले इंस्पेक्टर? सुन ले, कुछ नहीं किया।
सीधा बैठा है। मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल पापा तुझे बुला रहे हैं। हाँ, दो मिनट में आ रहा हूँ। सब मेरी गलती थी। आई नो मुझे किसी से बात करनी चाहिए थी, पर दीदी मैं बहुत डर गया था। मैंने जो किया वो बहुत गलत था, पर मैं बहुत अकेला पड़ गया था दीदी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अब देर हो चुकी है। आई रियली विश मैं इस मिस्टेक को अंडू कर सकता हूं, बट प्लीज आप जैसे चाहे मुझे पनिश कर लो, लेकिन मुझे माफ कर दो प्लीज। आपने ही कहा था ना, सॉरी बोलने से माफ कर देते हैं। सिड ने तो माफ नहीं किया, पर अगर आप भी मुझे माफ नहीं करोगे दीदी, तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज फॉरगिव मी।
नो मेरे भाई की गलती थी क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन शायद उससे बड़ी गलती मेरी थी ना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो मेरी साइड से था। गाइस, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग टू शेयर योर फीलिंग्स अबाउट योर सेक्सुअलिटी टू एनीवन, बस राइट टाइम और राइट पर्सन के साथ कीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। डोंट हाइड योर फीलिंग्स, डोंट हाइड योर फीलिंग्स जिस तरह मेरे भाई सार्थक ने किया, प्लीज। What a sheer waste of a young life. हाँ, उसने जो किया वो बहुत गलत था. He deserved to be punished. But was it only Sarthak's fault? What about his father, who never appreciated him? या अंकिता, जो शायद सिड और सार्थक की फ्रेंडशिप के बारे में जोक करने की जगह उससे फ्रैंकली बात कर सकती थी, और उस सोसाइटी दैट डिडंट अंडरस्टैंड हिम एंड वुड हैव लाफ्ड एट हिम। सार्थक वाज सो यंग एंड ब्राइट, वो चाहता तो ही कुड हैव अचीव्ड सो मच, बट सार्थक वाज फोर्स्ड टू फिट इनटू अ स्टीरियोटाइप एंड किल हिज ओन नेचुरल सेल्फ, लीविंग हिम कंफ्यूज्ड एंड इनसिक्योर। ये प्रॉब्लम सिर्फ सार्थक की नहीं थी, we as a society need to accept that every child is not the same. Har teenager ki apni alag choices, apna alag potential hota hai. We need to love them as they are, let them grow up into good human beings and not drive them to drastic measures like those that Sarthak took. Har youngster jo khud khushi karne pe majboor hota hai is a failure of us as a society, and we need to fix that. Welcome back, aur mere saath hai cyber advisor and ethical hacker Sunny Waghela. Well, जो आज हमें बहुत से टिप्स देंगे टू प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम गेटिंग वेब। एंड यस, आज मेरे साथ है द ग्रेट मिकी वायरस मनीष पॉल। हाय। थैंक यू। वेल सनी, हमने आज यहाँ पे स्टोरी देखी अंकिता एंड सार्थक, एंड स्टोरी में सबको पता है बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, शायद कहीं से बचाव हो सकता था। सो आई थिंक क्या टिप्स हैं जो आज देना चाहेंगे? See, इस पर्टिकुलर केस में सबसे बड़ी मिस्टेक जो अंकिता ने कमिट की थी, एक्चुअली शी लेफ्ट हर अकाउंट ओपन एंड एक्चुअली दैट हैज गिवन द प्रिविलेज फॉर सार्थक टू यूज हर पर्टिकुलर अकाउंट। सो पहली चीज़ है कि जब भी हम कोई भी अकाउंट यूज़ करते हो, बिफोर यू क्लोज योर विंडो, राइट, द फर्स्ट थिंग इज प्लीज एक्चुअली कीप अ प्रैक्टिस ऑफ यू नो प्रेसिंग द लॉग आउट बटन। यूज प्राइवेट ब्राउजिंग, इसके बहुत सारे यू नो अच्छे यू नो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री कभी मेंटेन नहीं होगी। सेकंड चीज़ इज के प्राइवेट ब्राउजिंग में अगर गलती से भी आपने लॉग आउट बटन प्रेस करना रह भी गया तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू क्लोज द विंडो आपका पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। यानी नेक्स्ट टाइम अगर आपकी सिस्टर है तो आपका ब्रदर या तो कोई भी बैठेगा, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने एग्जैक्टली कौन सा अकाउंट यूज़ किया है, ना तो वो आपका अकाउंट यूज़ करेगा। एंड द थर्ड एडवाइस इज कि जब भी आप कोई भी पब्लिक कंप्यूटर या तो कोई शेयर्ड कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, सो डू नॉट क्लिक ऑन द ऑप्शन रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर और रिमेंबर माई आई डी एंड रिमेंबर माई पासवर्ड। एंड अगर आप करते भी हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू यूज़ अ टू स्टेप वेरिफिकेशन टूल विच इज़ राइट नाउ अवेलेबल इन मेनी ईमेल clients and the social networking website also. Yani agar kisi ke paas aapka password bhi aa jata hai ya to agar kisi ke paas aapka access bhi aa jata hai to till the time wo aapke jo mobile pe jo code aata hai tab tak wo jo hacker ko nahi milta, hacker kabhi bhi account use nahi kar sakta hai, to koi bhi aapka account ka misuse nahi kar sakta hai. Sunny, so Sarthak jo hai, he was confused about his sexuality and you know he was looking for a partner of the same gender. काफ़ी झूठ बोलता रहा और आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ अपने ही झूठ में फंसता गया एंड एक ऐसा ट्रैप बन गया जिससे निकल नहीं पा रहा था। आपका पर्सनली क्या सोच रहे हैं और क्या एडवाइस है? अगर इस पर्टिकुलर केस में यू नो अगर उसको आइडेंटिटी बदलनी ही थी, राइट, सो यू नो व्हाई कांट ही जस्ट चेंज द नेम, राइट? अगर उसने अपना जेंडर सेम रखा होता, अपनी एज सेम रखी होती, तो डेफिनेटली उसको अपनी एज और अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के कई सारे ऐसे लोग मिल सकते थे जिसको वो दोस्त भी बना सकता था, जिससे वो कोई रिलेशनशिप का होप भी रख सकता था और जिससे कोई रिलेशनशिप का फ्यूचर भी हो सकता था। थैंक यू सो मच सनी, थैंक्स फॉर द टिप्स। आई थिंक आपकी टिप्स के कारण आज बहुत से लोग बच जाएंगे फ्रॉम गेटिंग वेब्ड। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट।